भीषण गर्मी में पानी की समस्या को हाहाकार मचा हुआ है। बीते एक महीने से भयंकर पेयजल संकट का सामना कर रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध आज टूट गया। नरहड़ गांव में ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए और गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार कनिष्ठ अभियंता को कई बार समस्या से अवगत करवाया मगर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। जलदाय विभाग 17 नलकूपों के संचालन का दावा करता है मगर वर्तमान में नरहड़ गांव में 2 नलकूप संचालित हैं। गांव की दोनों टंकियां पानी के अभाव में खाली पड़ी हैं। ग्रामीण टैंकरों से पानी डलवाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर चिड़ावा तहसीलदार कमलदीप पुनिया और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता अशोक पलसानिया मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। चालू हाल में 17 कुएं इनके कागजों में चल रहे हैं और या फील्ड में 2-3 कुएं, उनमें कभी मोटर नहीं है, कभी वो नहीं है। मतलब इनको फोन करते हैं, अधिकारियों को सुनाई नहीं हो रही। गांव वाले टैंकर वालों से पानी कब तक पिएंगे? 2-2 टंकियां होने के बावजूद सूखी पड़ी पानी की, और अफसरों को फोन करते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। अभी फोन किया था सुबह, उन्होंने मना कर दिया था। इन साहब ने, मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। आप चाहे किसी बड़े अधिकारी को, किसी को भी सूचना कर दो। हाँ, कर्मचारी कोई नहीं है, एक कर्मचारी, उससे काम नहीं चलेगा। टंकी पर क्यों चढ़े हो? इससे एक ही समाधान हुआ है, कम से कम इनकी सुने, इसलिए चढ़ रहे हैं।